मैं अभी प्रधानमंत्री हूँ, कुछ देर मैं नहीं रहूँगा, लेकिन इससे मेरे मन को कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई शोक नहीं होगा। सत्ता का खेल तो चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियाँ बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। ये शब्द दिए गए थे 27 मई 1996 को, जब विश्वास मत पे बहस हुई थी, उस दौरान दिए थे हमारे जो भारत रत्न थे, हमारे दिवंगत नेता अटल बिहारी वाजपेयी। एक मैं साहित्यिक व्यक्ति के तौर पे बात करूँ, एक राजनीतिक नेता के तौर पे बात करूँ, या एक लेखक के तौर पे बात करूँ, या पत्रकार के तौर पे बात करूँ, तो कल भारत ने अपना एक महान सपूत खो दिया है। ये भारत के राजनीतिक जो क्षेत्र है वहाँ पे काफ़ी बड़ी क्षतिपूर्ति है कि भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी अब हमारे बीच नहीं रहे। देखिए, जिंदगी भर काल के कपाल पर लिखते मिटाते अटल जी गुरुवार शाम को 93 वर्ष की आयु में हमें छोड़कर चले गए। देश को एकता सूत्र में बांधने वाले, देश को विकसित देशों की राहों में लाने वाले, देश को विश्व शक्ति के रूप में उभारने वाले एक नेता के तौर पर मैं अगर श्रेय दूंगा तो वो हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को ही देना चाहेंगे। वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को लेकर के आदर्श वाक्य को लेकर विश्व में भारत की शक्ति का परिचय कराया। ऐसे नेता के निधन पर पूरे राष्ट्र में आज शोक व्याप्त है। मैं मन से और मैं सभी लोगों की तरफ से हमारे इस भारत रत्न को, हमारे इस आदर्श जो राजनीतिक नेता हैं, इनको एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वो जहाँ भी हैं आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन हम उनके आदर्शों पे चलते रहेंगे और उनके आदर्शों पे ही आगे बढ़ते हुए एक प्रभुत्व और एक विकसित भारत देश का सपना साकार करेंगे। अब बात करूँगा दोस्तों कुछ इनके बारे में, जो इनका जीवन रहा, किस प्रकार के उतार चढ़ाव इन्होंने फेस किए, क्या क्या इनके जीवन में घटनाएँ घटी। एक छोटे से टॉपिक में हम देखेंगे वो सभी चीज़। दोस्तों, अगर पार्टियों को भी परे कर दिया जाए तो देश के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर जाने जाने वाले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में। इनके जीवन की सबसे पहली महत्वपूर्ण घटना रही जब इन्होंने 1942 के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी की, और उस एवज में इन्हें जेल भी जाना पड़ा, जेल यात्रा भी की, और यहीं से इनके एक राजनीतिक जीवन का सफर शुरू हो गया। इन्होंने देखा कैसे भारतवर्ष पे जुल्म हो रहे थे, भारतवर्ष को बिना लीड किए हुए यहाँ के लोगों को आगे ले जाना मुश्किल हो रहा था। इसके लिए इन्होंने सबसे पहले पत्रकारिता को चुना। देखिए, मैं बताना चाहूँगा आपको, ये पत्रकार रहे, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे, साथ में ये हमारे देश के सबसे लोकप्रिय नेता रहे। न जाने इसके साथ साथ कितनी ही उपलब्धियाँ इनके साथ हैं, काफ़ी इनकी साहित्यिक रचनाएँ आज हम पढ़ते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कविता संग्रह इनका, मेरी 51 कविताएं, ठीक है। तो उसके बाद इनके जीवन का सबसे जो पहला राजनीतिक चेंज आया वो आया 1951 में, जब ये भारतीय जनसंघ से जुड़े। उसके बाद 1955 में इन्होंने पहली बार लोकसभा का इलेक्शन लड़ा, लेकिन हार गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी अंदर से, और 1957 में पहली बार लोकसभा के सांसद चुने गए। बात करूँगा मैं, काफ़ी बार लोकसभा के सांसद रहे, इसके साथ साथ 1962 में पहली बार राज्यसभा भी गए, और 1968 में एक सबसे बड़ी उपलब्धि इन्हें प्राप्त हुई कि ये राष्ट्रीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। और इसके बाद जब देश की जो विवादित इमरजेंसी रही 1975 की, तो इमरजेंसी का इन्होंने विरोध किया, इस विरोध के फलस्वरूप इन्हें जेल की यात्रा करनी पड़ी। उसके बाद 1977 में जब देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार आई, जनता दल, तो उस जनता दल पार्टी में इन्हें विदेश मंत्री बनाया गया। उसके बाद 1980 में जब भाजपा का निर्माण हुआ, देखिए 1980 में भाजपा का निर्माण हुआ था, ये महत्वपूर्ण है, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो भाजपा का निर्माण में काफ़ी लोगों का सहयोग रहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, भैरव सिंह शेखावत जी थे, काफ़ी ऐसे बड़े बड़े इसमें दिग्गज नेता थे जिन्होंने इसकी नींव रखी। उसके बाद देखिए, भाजपा के पहला जो अधिवेशन हुआ वहाँ पे इनको निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया भाजपा का। 1996 का दिन इनके लिए ऐतिहासिक रहा इनके जीवन के लिए, क्योंकि जितने भी इनकी राजनीतिक तपस्या थी, जितने भी सामाजिक क्रियाकलाप थे, उसके फलस्वरूप इन्हें 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। जो शब्द मैंने इस वीडियो के प्रारंभ में बोले, 13 दिन के लिए जब ये प्राइम मिनिस्टर बने और विश्वास मत लाया गया और इन्हें इस्तीफा देना पड़ा, विश्वास मत में ये पास नहीं हो पाए।
और इसके बाद देखिए 1998 में फिर से इन्हें 13 महीनों के लिए प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य मिला। और इनके जीवन की जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही, देखिए पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट करवाया इन्होंने, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पोखरण 1998 में पोखरण में परमाणु शक्ति परीक्षण करवाया और देश को परमाणु शक्ति संपन्न बनाया इन्होंने। इसके बाद देखिए 1999 में जब चुनाव हुए, आम चुनाव हुए, तो आम चुनाव में इन्हें अन्य जो गठबंधन थे, देखिए 24 पार्टियों को साथ लेकर, ये एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सबसे बड़ी बात है कि 24 क्षेत्रीय पार्टियों को साथ लेकर इन्होंने एनडीए सरकार बनाई 1999 के चुनाव के बाद, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो इसमें 24 विभिन्न दल के समर्थन इन्हें मिला था और इसमें मानना पड़ेगा कि उतने दलों को एक साथ लेकर पूरे 5 साल तक इन्होंने कार्यकाल अपना संपन्न किया। तो पूर्णतया 5 साल इन्होंने प्रधानमंत्री बनने का गौरव मिला इन्हें 1999 में, 1999 से 2004 तक ये देश के प्रधानमंत्री रहे। और इस दौरान इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें की। 2 फरवरी 1999 में दिल्ली से लाहौर के बीच बस सेवा की शुरुआत करवाई इन्होंने। देखिए 1999 में कारगिल वॉर चला था, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था कश्मीर पे, तो कारगिल वॉर के दौरान अमेरिका से इनको फ़ोन आता है, वहाँ पे अमेरिका के प्रेसिडेंट है फोन लाइन पे, वो बोलते हैं कि पाकिस्तान की सरकार बोल रही है कि हम जल्दी ही हिंदुस्तान पे परमाणु अटैक कर देंगे। तो जो इनका रिप्लाई रहा था उस टाइम का, वो रिप्लाई हमेशा हिंदुस्तानी के, जो भी हिंदुस्तानी हैं हम लोग, हमारे दिल में रहेगा। इन्होंने बोला था ठीक है पाकिस्तान को परमाणु हमला करने दीजिए, मैं आधा हिंदुस्तान खत्म मान लूँगा, लेकिन अगले दिन पाकिस्तान का नक्शा विश्व मानचित्र पर नहीं होगा। इन शब्दों से जहां इन्होंने भारत की ताकत का विश्व के देशों को परिचय कराया, साथ ही पता चलता है कि देश के प्रति कितने समर्पित थे। इसके बाद जो इनके महत्वपूर्ण और कार्य रहे, 2001 में इन्होंने सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कराई पूरे देश में, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। 2004 में जब आम चुनाव हुए और यूपीए की सरकार बनी कांग्रेस संगठन की, ठीक है, और उसके क्षेत्रीय जो पार्टियां थी समर्थित पार्टियां, तो यूपीए गवर्नमेंट जैसे आई तो इन्होंने हार का जिम्मा अपने सर लिया और 2005 में इन्होंने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लिया। हालांकि ये सामाजिक स्तर पे थोड़ा सक्रिय रहे थे, लेकिन जैसे ही 2009 में इन्हें स्ट्रोक पड़ा, बीमार पड़े ये, उसके बाद इन्होंने सामाजिक जीवन से भी ये दूर हो गए, ठीक है। और इसको इनको सम्मान देने के लिए देखिए 2014 में जो मोदी सरकार थी, उन्होंने इनका जो 90वां जन्मदिन था उसको गुड गवर्नेंस डे के तौर पर मनाया था। और 2015 में सबसे बड़ी उपलब्धि मिली इन्हें, देश के सबसे बड़े असैनिक सम्मान भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया। और इनके साथ साथ पंडित मदन मोहन मालवीय जी को भी 2015 का भारत रत्न दिया गया। और सबसे दुखद जो डेट आई वो कल की डेट थी 16 अगस्त 2018, जिसमें हमने इस चमकते हुए एक सितारे को हमेशा के लिए खो दिया। राजनीतिक जीवन कहूँ मैं, सामाजिक जीवन, उसके साथ साथ साहित्यिक जीवन, इन सभी में जो एक महापुरुष था वो पंचतत्वों में विलीन हो गया। ये देश के राजनीतिक, सामाजिक और साहित्यिक जीवन की एक सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्षति है, जिसकी भरपाई करना शायद संभव नहीं है। मैं अटल बिहारी के आदर्शों पर चलने वाला एक व्यक्ति हूँ, मैं भी इनके सभी चीज़ों को फॉलो करता हूँ, और पार्टीवाद से हटकर, क्षेत्रीयवाद से हटकर, सभी चीज़ों से हटकर, देश का कोई अगर मैं एक लीडर मानता हूँ महात्मा गांधी जी के बाद जिन्हें श्रेय देना चाहिए, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, जिन्होंने भारत की संप्रभुता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता को कायम रखते हुए भारत को विश्व शक्ति में एक परिचय दिया। तो इनकी आत्मा की शांति के लिए हम सभी लोग श्रद्धांजलि देते हैं। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो, हमेशा आप हमारे दिलों में बने रहेंगे। इनकी एक कविता के साथ अब इस वीडियो को यहाँ पे विराम दूँ। ठन गई मौत से ठन गई, जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, यों लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या है, 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। ठन गई मौत से ठन गई। जय हिंद, वंदे मातरम।